देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड पार्ट अब शुरू हो रहा है। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की हम बात करेंगे। पहला पार्ट जो हमने बताया कि इलेक्ट्रोलाइट्स के आयंस की वजह से ही आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी कन्वर्ट कर केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कर पा रहे थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली ब्रांच ऑफ साइंस विच इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसको नोट करते जाओ, साथ से नोट करते जाओ उसको। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हुआ जहां पे इंटर कन्वर्जन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। मैं बता चुका हूं आपको कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इस्तेमाल करते हैं जहां पे आप इलेक्ट्रिकल टू केमिकल करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप, ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं। अगला देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। द सब्सटेंस विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस मीडियम या मोल्टेन, जब उसे पिघला दिया जाए या करंट या उसे मेल्ट किया जाए, उस कंडीशन में अगर वो करंट पास करते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है। ये एसिड हो सकते हैं, अगर आप देखें इसमें तो एसिड हो सकते हैं, बेस हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकते हैं। इसको नोट करते चले आप साथ साथ में। एसिड का मतलब आप जानते हैं कि HCl जैसे, बेस का मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HCl हो सकते हैं, यहाँ पे NaOH हो सकते हैं। एडमिट तो करो, एक्चुअली मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ एक पार्ट, ये इसका सेकंड पार्ट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताया था मैंने कि इसमें तीन पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करते हैं, तीसरा बात करते हैं इलेक्ट्रिक सेल। तो इनमें से हमने ये पार्ट कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। एनसीईआरटी की शुरुआत यहां से होती है, ये अदर लोग यहां से शुरू करते हैं। फिलहाल हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करना चाहते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पे आएंगे। उसी के हिस्से से ये दोबारा से बताना चाह रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए एक नोट्स बना हुआ मेरे पास है पहले से ही, तो आपको लिखने में आसानी हो जाएगी, आप आसानी से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। उसी में से सेकंड पार्ट पे हम केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे अब, जो पढ़ना चाह रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जैसे ब्रांच है केमिस्ट्री का, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं पहले से कि जहां पे केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू केमिकल की बात की जाती है। अब इसी चीज को अगर आप देखें यहाँ पे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, देखिए अगर ये नोट कर लिया हो आपने, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे देखिए यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जहां पे केमिकल एनर्जी देख रहे हैं, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, तो दैट इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहलाता है। लेकिन हमारा मकसद क्या है, हम इलेक्ट्रोलाइट्स पे डिस्कस करना चाहते हैं आज हमारा टॉपिक इस पे बात करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जब आप आएंगे तो वहां पे देखिए, वैसा सब्सटेंस अगर किसी पानी में डिजोल्व किया जाए या मोल्टेन मतलब पिघलाया जाए, इस कंडीशन में अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कहलाता है। उस एग्जाम्पल में आते हैं एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड का नाम अगर याद हो तो हम यहाँ पे HCl लिख सकते हैं, बेस के नाम पे सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हैं, और सॉल्ट के नाम पे हम NaCl के बारे में जानते हैं। इसमें से कुछ बेस ऐसे भी हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं नेचर में, जैसे ये सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड स्टेट में होता है, जिसे पिघला दिया जाए, या NaCl सॉलिड होता है पिघला दिया जाए तो भी उसमें करंट कंडक्ट हो सकता है, या पानी में घोल दिया जाए डिजोल्व किया जाए, उस कंडीशन में आयंस फ्री होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है। यहां तक बात क्लियर है, तो इसे हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। उसके बाद अगर आप आगे जाएंगे, देखिए आगे बढ़ते हैं अभी यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स के बाद। इलेक्ट्रोलाइट दो किस्म का होता है, एक का नाम होता है स्ट्रॉन्ग, एक का नाम होता है वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट उसे जैसे अल्फा इज इक्वल टू वन आता है, अल्फा इज इक्वल टू वन का मतलब ये 100% डिसोसिएट होता है, मतलब 100% डिसोसिएशन, सारे के सारे टूट जाएंगे। यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर आप चाहें तो HCl की बात कर सकते हैं, NaOH की बात कर सकते हैं, और यहाँ पे आप NaCl की बात, सब स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जहां मिलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस मिलते हैं, दीज आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और से जो सॉल्ट बनेंगे वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे। यहाँ कहानी होगी वीक बेस और वीक एसिड, और उससे जो सॉल्ट बनेंगे वो सब यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट कैटेगरी में आते हैं। वीक बेस की बात करें तो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, और दूसरा एग्जाम्पल CH3COOH ले सकते हैं, इथेनोइक एसिड, और सॉल्ट के नाम पे CH3COOH4 ले सकते हैं। ये सब आयनिक इक्विलिब्रियम में क्लास 11th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वीक एसिड वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर सॉल्ट बनता है। सॉल्ट की कई वेरायटी बता चुके हैं पहले भी आप। अगर आप ये सब समझते हैं, इसका मतलब जो पानी में डिजोल्व होने के बाद या मेल्ट होने के बाद अगर वो आयंस में डिसोसिएट हो सकता है, तो वैसे सब्सटेंस के अंदर करंट पास हो सकता है, हम उसे इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। क्लियर है? तो एक्चुअली अब हम जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट में करंट का कंडक्शन इनसाइड द सॉल्यूशन कैसे होता है, आयंस कैसे मूव करते हैं, हमारा मेन मकसद यही जानना है इस पूरे चैप्टर में, यहाँ पे इस टॉपिक पे डिस्कशन इसी बात पे। क्लियर है? अब यहाँ कंडक्टर्स की बात अगर आप देखें, यहाँ पे दो किस्म के कंडक्टर की बात की जा रही है। ये बहुत बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा करेंगे तो ठीक रहेगा। कंडक्टर्स वैसा जिसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाए उसे कंडक्टर कहते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक का नाम होता है मेटालिक कंडक्टर,
ठीक है, मेटालिक, जैसा कि आप मेटल के बारे में जानते हैं, जैसे आप हम बात करते हैं सोडियम पोटेशियम आयरन कोबाल्ट कॉपर इस टाइप की बातें, इलेक्ट्रोलाइट दीज आर द एसिड बेस और सॉल्ट की हम बात कर रहे हैं। तो मेटालिक कंडक्टर में बेसिकली क्या यहाँ पे मेटल्स का नाम आएगा, जैसे अगर मेटल की मेटल कंडक्टर मतलब हम कह दें सोडियम पोटेशियम सिल्वर गोल्ड कॉपर एल्युमिनियम और आयरन की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट में हम बात कर रहे हैं एसिड की, हम बात कर रहे हैं बेस की, हम बात कर रहे हैं सॉल्ट की, इसे कंडक्शन की प्रॉपर्टीज को जानना है। ये एग्जांपल आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मेटालिक कंडक्ट मेटल के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैरियर कौन होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है, बट अगर हम इसमें इलेक्ट्रोलाइट में बात करें तो आयंस आर द इलेक्ट्रॉन कैरियर। जैसे अगर मान लीजिए आपने NaCl लिया है तो Na प्लस आयंस Cl माइनस आयंस में चार्जेस हैं, दैट चार्ज कैन फ्लो, इसकी फ्लो की वजह से क्या होगा, इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? एक मिनट से आपका दूर होता है। इसमें मैटर डज नॉट टेक प्लेस, इसमें मैटर मूव नहीं करता है। इसमें मैटर का मतलब है आयन, जैसे Na प्लस की बात करें तो ये एक मैटर है भाई, आयन्स में के अंदर मास होता है, टोटल आयन्स के अंदर मास होता है, ये एटम पार्टिसिपेट करता है आयन्स के फॉर्म में, पार्टिसिपेट करता है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे ऐसा नहीं है, मैटर मूव नहीं करता, सिर्फ इनसाइड द मेटल जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सिर्फ वही मूव करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मेटल्स के अंदर सेवरल एटम होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन एटम होते हैं, सेवरल फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ये आयन्स जो एटम प्रेजेंट है वो मूव नहीं करता। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन के अंदर हम बात करें, यहाँ पे हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है तो Na प्लस ये खुद मूव करेंगे, Cl माइनस ये खुद मूव करेगा, डिपेंड करता है कि हम इलेक्ट्रोड में क्या चार्ज है, अगर प्लस होगा तो माइनस मूव करेगा और माइनस होगा तो प्लस मूव करेगा, ऐसे बताना चाह रहा हूं। यहाँ पे कोई केमिकल चेंज नहीं होता, यहाँ पे केमिकल चेंज होता है बिकॉज जैसे हमने NaCl के एग्जाम्पल लिया था, NaCl पहले ज्वाइंट फॉर्म में थे, आयंस जुड़े हुए थे, सोल्यूशन में जाने के बाद Na प्लस आयंस एक्वस और Cl माइनस आयन एक्वस ये अलग हो चुके होते हैं, यहाँ पे आयंस फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं दूसरे, यहाँ क्या जैसे थे एटम वैसे जुड़े रहते हैं। यहां तक क्लियर है? कंडक्टेंस इसमें देखिए नो केमिकल चेंज, इसमें केमिकल चेंज हो जाता है, नो कंडक्टेंस इज वेरी हाई, इसमें करंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है, इसमें करंट का फ्लो कम होता है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से। अब इसी करंट के फ्लो का मैकेनिज्म जानने के लिए हमें इस पूरे पोर्शन को पढ़ना जरूरी है कि आखिर करंट का फ्लो होता है तो कैसे होता है, करंट के फ्लो को क्या हम बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते हैं, किस किस फैक्टर पे ये करंट का फ्लो कंडक्शन ऑफ चार्जेस जो भी मूव करते हैं वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, ये डिफरेंस समझ में आया? अब यहां देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप सब जानते हैं कि मेटालिक कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है, रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो करंट का फ्लो क्या होगा इनसाइड द वायर, मेटालिक वायर की बात पूछ रहे हैं, दिख रहा है यहां पे? तो यहां पे जो हम एक लॉ इस्तेमाल करते हैं दैट इज कॉल्ड फैराडेज लॉ इस्तेमाल किया, फैराडेज लॉ यूज करते हैं, बताएंगे फैराडेज लॉ क्या होता है, ये नहीं यूज किया जाता, ये सिर्फ ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बताते हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आर, और आर जो है टेम्परेचर पर डिपेंडेंस होता है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी क्या होता है, बढ़ता है, ये पढ़ा है आपने क्लास 10th में। यहां पे कहानी देखिए उल्टी है, टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा और कंडक्टेंस क्या होगा इंक्रीज करेगा, यहाँ फैराडेज लॉ अप्लाई होता है, क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस प्रेजेंट है Na प्लस Cl माइनस इसके मूवमेंट की बात की जा रही है, तो आप जानते हैं कि जब आप इसे हीट अप करेंगे तो ये पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इंक्रीज करेगी, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो क्या होता है मूवमेंट ऑफ आयंस क्या होता है इंक्रीज करता है, जितना फास्ट मूवमेंट ऑफ आयंस होगा करंट का फ्लो क्या होगा उतना ज्यादा होगा, यहाँ कंडक्टेंस क्या होता है इंक्रीज करता है, रेजिस्टेंस क्या होता है डिक्रीज करता है, बट यहाँ मेटेलिक कंडीशन में क्या होता है कि हम जानते हैं कि करंट अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रीजन क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन सीधी डायरेक्शन में मूव कर रहा था उसका मूवमेंट थोड़ा टिल्ट कर जाएगा, जिससे क्या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्मूथ नहीं हो पाता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड करता है, यहाँ आयंस के मूवमेंट पे डिपेंड करता है। इस तरह से हम इसमें बात करते हैं, हम इसमें ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ पर डिटेल स्टडी हम करेंगे जब हम आगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे, बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ पे जो मामला है टेम्परेचर का मामला है वो अपोजिट हो जाता है, किस केस में, इलेक्ट्रोलाइट में अलग होता है और मेटल के अंदर अलग होता है। यहां तक किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, पूछे सवाल, कैसे पढ़ा, हम सब पे डिटेल बात करेंगे, फिलहाल हम जनरल बात कर रहे हैं। अब देखिए, हम अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कंडक्टेंस के बारे में हमारे पास शुरुआत में कोई अगर लॉज था तो याद होगा हमारे पास ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ उसके बाद आया,
हम ओम्स लॉ के जरिए क्लास में पढ़ चुके हैं वी इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज इक्वल टू आर, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। तो यही हमारे पास टूल क्या था, वो था रेजिस्टेंस का टूल, जिससे हम पकड़ सकते थे। पढ़ा होगा आपने, इसका रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी अगर याद होगा ज्यादा होगा, कंडक्शन क्या होगा घटेगा। गुड कंडक्टर मेटालिक के बारे में भी बात की जाती है ना, मेटालिक कंडक्शन की बात करें तो हमारे पास एक टूल था, वो रेजिस्टेंस था या रो था, जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं कौन अच्छा कंडक्टर है। जिसकी रो की वैल्यू कम होगी वो अच्छा कंडक्टर कहलाएगा। रेजिस्टेंस के यूनिट आप जानते हैं ओम होता है, और ये तो वहां पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस से करंट और आर का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। यहां हम कंडक्टेंस की बात करेंगे। अब यहां कंडक्टेंस को कैसे मेजर किया जाए, उसके लिए उन्होंने क्या किया, टूल डेवलप किया। वो टूल क्या था, देखिए व्हाट इज कंडक्टेंस कहता है, देखिए लिख लीजिए द रेसिप्रोकल ऑफ, क्योंकि आप जानते हैं रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो कंडक्शन क्या होगा हमारे हिसाब से घटना चाहिए। तो इसी फंडा को मतलब मेटल की प्रॉपर्टीज को अप्लाई करने में कहा द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। इसको लिख लीजिए आप, ऐड कर लीजिए यहां पर, कहा रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा कंडक्टेंस क्या होगा घटेगा, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा, एक जनरल बात की। अब रेजिस्टेंस का यूनिट अगर आम ओम आप यहां पे लिखेंगे, यहां पे ओम इनवर्स लिखना पड़ेगा, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम और एमएचओ लिख सकते हैं। मतलब क्या किया इन्होंने, ओ एच एम जो था ना उसको इनवर्स बनाने के चक्कर में एमएचओ लिख दिया, उल्टा कर दिया। इसी को साइमन भी कहते हैं। ये तीन नाम से हम इस यूनिट को डिफाइन करते हैं, रेजिस्टेंस को कंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, ओम इनवर्स या एमएचओ या हम साइमन, साइमन को शॉर्ट में हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंडक्टेंस एक ऐसा यूनिट है जिसके जरिए आप इसी फंडा को आप चाहे तो मेटलिक कंडक्टर में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोलाइट में अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक टर्म था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो मेटलिक वायर के लिए आपने पढ़ा, इसको नाम दिया था रेजिस्टिविटी, याद है रेजिस्टिविटी रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यही था क्लास 10th में आपके। हो गया सबका क्लियर है, नहीं तो देख। अब अगला टर्म हमारा पास है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जो पहले से आप जानते हैं क्लास 10th से, कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं। याद होगा आर इज इक्वल टू, आपने प्रूफ किया होगा रो इंटू एल अपॉन ए। तो आपने गौर किया होगा हमारे पास जो टेबल मिलता है डाटा किसी मेटेलिक कंडक्टर के बारे में पता करने के लिए, वहां डाटा रो में होता है, आर में नहीं होता है ना, बिकॉज आर कैन वेरी ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एज वेल एज एरिया ऑफ कंडक्टर, बट रो इज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। तो हमेशा हम वो वेरिएबल लेते हैं जो ज्यादा वेरी नहीं करता। तो अक्सर देखना जब हम कंडक्टेंस कंडक्शन के बारे में या कंडक्टर्स के बारे में पता लगाते हैं तो हमें रेजिस्टिविटी का यूज करते हैं, आर का यूज नहीं करते। उसी तरह से कहा कि हम देखिए रेजिस्टिविटी का इस्तेमाल करके हम एक काम कर सकते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के कंडक्शन की बात करना चाहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट के रेजिस्टेंस की बात, इलेक्ट्रोलाइट की रेजिस्टिविटी की बात करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट को मेटेलिक कंडक्टर से थोड़ा डिफरेंशिएट करने के लिए चीजों थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो क्या होगा, देखिए इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, उसमें दो इलेक्ट्रोड प्लेस किया। इलेक्ट्रोड प्लेस करने के बाद इसकी रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करने की कोशिश की। तो कहा कि वहां तो हम, याद होगा आपको कि हम जब 10th क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मेटेलिक वायर है भाई, ये वायर है मेरे पास, तो वायर का एरिया कितना है, वायर का लेंथ कितना है, इसकी बात करते हैं और आर इज इक्वल टू हम रो इंटू एल बाय ए कर देते हैं। मतलब लेंथ को बदल सकते हैं, एरिया को बदल सकते हैं, उसे रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। बार बार बहुत सारे डाटा आएंगे, आर अगर आप एल और ए रखें और यहाँ टेबल बना के देखें तो बहुत सारे रेजिस्टेंस, जैसे 2 ohm आएगा, किसके 1 meter लिया आपने, एरिया 2 meter स्क्वायर कर दिया, ऐसे आप बदलेंगे तो बहुत सारे डाटा आपके पास एक्सपेरिमेंटली आप प्रूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ की मदद से। लेंथ को चेंज करते हैं रेजिस्टेंस चेंज होता है, एरिया चेंज करते हैं रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो इसके लिए आर एल का डाटा तो मिल गया, अगर इसी वैल्यू से हम रो चाहे तो किसी मेटल का निकालेंगे, वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट आती है। इससे कहते हैं कि रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सेम एस कहता है कि अगर हम इसी को इलेक्ट्रोलाइट पे इस्तेमाल करिए, इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए हम एग्जांपल के तौर पे NaCl लेते हैं, हमने NaCl को वाटर में डिजोल्व किया, Na+Cl-, आप HCl भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप NaCl लें, HCl- कुछ भी ले सकते हैं, आप CH3COH भी निकाल सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, CH3CO-H+ ये भी इलेक्ट्रोलाइट है, आयंस पे डिसोसिएट कर रहे हैं। तो कहता है ऐसे केस में आप एरिया किस करते हैं, एरिया ऑफ दो इलेक्ट्रोड जो प्लेस किया और प्लेट प्लेस किया आप मेटल का, आप ख्याल रखिएगा ये प्लेट रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि रीजन क्या है, हमें अंदर सिर्फ मूवमेंट ऑफ आयंस फाइंड आउट करना है, कितना फास्ट जो मूव करेगा आयंस उसके अंदर कंडक्टेंस ज्यादा होगा। और लेंथ के नाम पे यहां पे लेते हैं, लेंथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड लेते हैं, उसी को कहता है कि आर इज प्रोपोर्शनल टू आर इज इक्वल टू 1 बाय ए। यहां भी वही बात है,
आर रेजिस्टेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, ये हमारे पास डाटा पहले से है, आर इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए, ये फॉर्मूला पहले से ही है। तो इस तरह से उसी फॉर्मूला से देखिए, रो इक्वल टू आर इंटू ए बाई एल, हो सकता है ऐसा। यहां पे एरिया क्या लेंगे, 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब वॉल्यूम लेंगे यहां पे, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, वॉल्यूम थोड़ी, वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लेंगे, लेंथ क्या लेंगे 1 सेंटीमीटर लेंगे, वॉल्यूम में क्या होता है एरिया इंटू लेंथ इक्वल टू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ आप कर सकते हैं। तो कहता है कि अगर आप इस केस में एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाए दो प्लेट को, तो इसमें रो क्या होगा आर के बराबर आ जाएगा। तो वहां पर रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन और रेसिस्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन दोनों क्या आएगी, सेम आएगी। ये सिंपल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेसिस्टिविटी जो टेंथ में किया था उसी को हम इलेक्ट्रोलाइट पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? तो कहता है कि रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में सेम हो सकता है तब जब उसका वॉल्यूम क्या हो जाए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वॉल्यूम सेम कैसे होगा, मतलब इसका एरिया, पूरा एरिया, अगर आप इसको यहां से मिला दें, ऐसे यहां मिला दें, ऐसे देखिए आपके पास क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, क्यूब बन गया। इसी का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, एक क्यूब निकालते हैं, नहीं निकालते हैं। अगर 1 सेंटीमीटर लंबा आप ये लेंथ लें और 1 सेंटीमीटर लेंथ लें, 1 सेंटीमीटर ये साइज ले लें 1 सेंटीमीटर, तो आप वॉल्यूम क्या आ गया आपका 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर आ जाता है, तो ऐसे केस में आप यहाँ पे ए और एल को अगर 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो कट पिटे क्या होगा, खाली ए इक्वल टू आर के बराबर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आर के बराबर, बट अगर यूनिट की बात करें, देखिए अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया था और 1 सेंटीमीटर लेंथ था, कटने के बाद क्या 1 सेंटीमीटर बच जाएगा। यूनिट पे क्या होगा, एक यूनिट सेंटीमीटर रहेगा, दैट इज इक्वल टू ओम सेंटीमीटर, कैसे है दैट इज कॉल्ड ओम मीटर कहते हैं। रेसिस्टिविटी का यूनिट ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर कहलाता है, ये 10th क्लास में भी था, अगर आप चेक करेंगे तो ओम मीटर ही लिखा हुआ मिलेगा, ऐसे OHM ओम मीटर लिखा मिलेगा या ओम सेंटीमीटर, ज्यादा चांसेस इस यूनिट में आपको टेबल मिला होगा 10th क्लास। इतनी बात समझ में, तो वही मेटेलिक कंडक्शन का कॉन्सेप्ट इसने क्या किया, अप्लाई कर दिया किस पे भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन पे। जिस तरह से कंडक्टेंस निकाला, तो जैसा देखा कि मेटल के अंदर आप जानते हैं, आप लोग चीज जान चुके हैं कि जिस तरह से मेटल के अंदर हम लोग जानते हैं, लिखते हैं क्या लिखते हैं भाई, मेटल के अंदर लिखते हैं कि भैया रेजिस्टेंस होता है, भैया रेसिस्टिविटी होता है। उसी चीज को डिफाइन करने के लिए यहां पे कहा, अगर आप फॉर इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, यहां दो चीजें, पहला चीज होता है कंडक्टेंस जो आपने निकाला, वो क्या था, जी इक्वल टू 1/r। सेकेंड पार्ट कहता है इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको हम कपा से डील करेंगे, क्यू के की तरह होगा, कपा साइन ऐसा होता है बेसिकली, कपा कहते हैं, के डबल पी ए कपा। कहता है जिस तरह से रो के साथ आर का रिश्ता है, वैसे कंडक्टेंस का रिश्ता भी आर के साथ है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस का रिश्ता किसके साथ होगा, रो के साथ होगा। एक फॉर्मूला बनाया, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस कह दीजिए इसको, और कंडक्टिविटी कह दीजिए। अभी मैं सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं, फिर इसका लिटरल मीनिंग समझाऊंगा मैं। तो कहा जिस तरह से g is equal to reciprocal of 1/r, तो कप्पा is equal to 1/ρ हो सकता है। अब r is equal to, आप देखिए r is equal to फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, rho into l by a, तो rho is equal to क्या होगा, r a by l होगा ना। तो अगर 1/ρ को पुट करेंगे तो 1/r यहां पे आएगा, ऊपर जाएगा क्या होगा, l upon a आ जाएगा फिर ना, आएगा नहीं आएगा। ये फॉर्मूला इस एल अपॉन ए को बेसिकली इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में हमेशा हमें एक कंटेनर लेना पड़ता है, जब भी आप उसका बनाएंगे तो दो प्लेट लेना पड़ेगा, प्लेट के बीच का लेंथ होगा, प्लेट का अपना एरिया होगा, तो ये बेसिकली एक बार आप फिट करके एक फिगर में प्लेट और डिस्टेंस फिक्स कर लेते हैं, बार बार सिर्फ हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन चेंज करते हैं, इसी का नाम पड़ जाता है, दैट इज टर्म्ड एज अ सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, इसको लिखते जाइए सेल कांस्टेंट कहलाता है। तो कपा इज इक्वल टू, हम चाहें 1/r इक्वल टू जी भी हम जान चुके हैं, जी स्टार कहेंगे लिखा गया मिलेगा, इक्वल टू एल अपॉन ए हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी की जो बात, कंडक्टेंस की बात करें, इक्वल टू क्या नजर आ रहा है, दैट इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट होता है, और कंडक्टेंस का यूनिट आप जान चुके हैं ओम इनवर्स होता है। इसका अगर देखें आप लेंथ अपॉन एरिया,
तो यहाँ पे आपको मीटर इनवर्स मिल सकता है या सेंटीमीटर इनवर्स मिल सकता है। इस तरह से आप स्पेसिफिक कंडक्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस की बात करो, कंडक्टेंस तो आप इलेक्ट्रोड के लिए भी, मेटल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट स्पेसिफिक कंडक्टेंस ओनली फॉर स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट के लिए यूज किया जाता है। तो इस फॉर्मूले पे आपको अभी न्यूमेरिकल में कराता हूं, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आपको जरूर मिल सकते हैं। इस पे मिल सकते हैं, G is equal to 1 upon R पे मिल सकते हैं, इन दोनों फॉर्मूले पे करना है। L is equal to आप लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड लिख लेना, ऐसे लिख लेना, L is equal to लिख लेना आप एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन, अब यहाँ पे कप्पा का यूनिट निकालना, यूनिट कैसे निकालेंगे, कप्पा इज इक्वल टू जी का यूनिट क्या होता है, ओम इनवर्स, एल अपॉन में क्या था मैंने बताया, इसको सेंटीमीटर लेना चाहे ये सेंटीमीटर स्क्वायर, तो क्या कट के मिलेगा आपको, सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर लेंगे तो क्या आएगा, ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स आएगा, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स ही मिल सकता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ही मिल सकता है, यूनिट इसे कहते हैं कंडक्टिविटी, इसे कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब इलेक्ट्रोलाइट का हम कंडक्टेंस निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल सकते हैं। अगर हम लिटरल मीनिंग समझना चाहते हैं कि व्हाट इज कंडक्टिविटी फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, तो इसे यहां समझ सकते हैं। देखिए, कंडक्टेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ 1 cm³, 1 cm³ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एल अपॉन ए, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी समझना इस तरह से। देखिए, जैसा कि मैंने डायग्राम वहां बनाया हुआ था, देखिए जैसे ये दो प्लेट आपने लिया था ना, इस दो प्लेट के बीच में ये प्लेट है आपका, एरिया है इसका, इसका लेंथ यहां पे लंबाई लिया था, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है यहां पे, इसका कप्पा इज इक्वल टू जी इंटू एल अपॉन ए, ये फॉर्मूला होता है। अगर लेंथ आपका जैसे लेंथ आपका 1 cm हो, एरिया आपका 1 cm², मतलब इस टाइप से आपने प्लेट को सेट किया है, तो लेंथ इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 cm, एल अपॉन ए का रेशियो क्या आएगा, 1 cm² आएगा, K is equal to क्या होगा, G मतलब कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा। कहता है अगर आप 1 cm लंबा, 1 cm आप स्क्वायर का एरिया, टोटल मिला के 1 cm³ वॉल्यूम के अंदर जो आयंस मूव करते हैं इनसाइड द सॉल्यूशन, उसकी जो कंडक्टेंस होती है वही उसकी कंडक्टिविटी बन जाती है। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये है, इट कंडक्टिविटी ऑफ आयंस क्या होगा और कंडक्टेंस ऑफ आयंस क्या, दोनों बड़ा फर्क है। कंडक्टेंस इज सिंपल रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। रेजिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रोलाइट का, इस इलेक्ट्रोलाइट का अगर रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसका रेसिप्रोकल हमारा कंडक्टेंस बन जाता है। बट कंडक्टिविटी इज कॉल्ड कापा कहते हैं, के लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है कि दो प्लेट के बीच में जो आयंस का मूवमेंट है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ेगी, नंबर ऑफ आयंस घटेंगे कंडक्टिविटी क्या होगी, घटेगी। तो कंडक्टिविटी दो प्लेट के बीच के आयंस पर डिपेंड करता है, और कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होल सम पे डिपेंड करता है। तो वही यहां समझाया कि इफ यूनिट वॉल्यूम 1 cm³ या 1 m³ अगर हो जाए किसी भी दो प्लेट के बीच का, उस कंडीशन में जो कंडक्टेंस होता है वही उसकी कंडक्टेंस को ही हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं। इज इट क्लियर टू यू, कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। तो हमने देखिए आज क्या सीखा, एक तो जी सीखा, हमने कप्पा सीखा, दो चीज के बारे में जान गए जो हम इलेक्ट्रोलाइट का फाइंड आउट कर सकते हैं अगर डाटा हमारे पास गिवन है तो, है ना। तीसरा टर्म देखिए आता है इसी में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, द टर्म इज मोलर कंडक्टेंस। तो मोलर से जाहिर हो गया होगा आपको, वी विल अप्लाई द कंसंट्रेशन टर्म, बिकॉज हम जानते हैं कंसंट्रेशन इज इक्वल टू n/v, कंसंट्रेशन का वॉल्यूम से बड़ा रिश्ता है। तो अगर हम कंडक्टेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं 1 mole ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का, उसी को हम कहते हैं मोलर कंडक्टेंस। थोड़ा सा हम यूनिफाई कर रहे हैं, जैसे याद होगा आपने हीट स्पेसिफिक हीट मोलर हीट, सॉरी हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तीन तरह की हीट कैपेसिटी आपने 11th पढ़ा होगा। हीट कैपेसिटी 1 mole सिंपल कहता है कोई सब्सटेंस जो हीट अब्सॉर्ब करता है, कोई कंडीशन नहीं अप्लाई करता है, दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। मान लीजिए पानी गर्म किया, पानी ने हीट अब्सॉर्ब किया, हमने कुछ नहीं कहा, कुछ कंडीशन नहीं लगाया। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 gram ऑफ सब्सटेंस, हमने क्वांटिफाई कर दिया 1 gram सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी 1 mole ऑफ सब्सटेंस अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब टू रेज 1°C, इसका मतलब दैट इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी। तो कंडक्टेंस तो है ही जानते हैं, मूवमेंट ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस जितना कम होगा कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। मोलर का मतलब 1 mole ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं,
अगर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आपने कंसेंट्रेशन वैल्यू को ऐड कर दिया, उस कंडीशन में जो कंडक्शन ऑफ आयंस होगा, मूवमेंट ऑफ आयंस होगा, दैट इज कॉल्ड मोलर कंडक्टेंस कहलाएगा। तो साथ में हम कंसेंट्रेशन को भी यहां पे ऐड करते हैं। अगला टॉपिक आप लिख लीजिए, वह है मोलर कंडक्टेंस। जैसे हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइट लिया तो कप्पा था के, वी सेंटीमीटर क्या होगा, के इंटू वी। और भाई अब वॉल्यूम तो हम अब 10 सेंटीमीटर क्यूब, 20 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब में, क्योंकि यहां पे आप जानते हैं मोलारिटी अप्लाई करेंगे तो हमें 1000 सेंटीमीटर क्यूब लेना पड़ेगा वॉल्यूम। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई वी। वी कितना होना चाहिए भाई, 1 लीटर की बात, 1 लीटर के अंदर कितना होता है, 1000 सेंटीमीटर। तो कहता है वी सेंटीमीटर क्यूब में क्या होगा, कप्पा इंटू वी। तो अगर हम इसी कंसेंट्रेशन से m के साथ अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए m मोल हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था, ठीक है, 1 लीटर के अंदर, तो 1 मोल के लिए क्या होगा, 1000 अपॉन m। नहीं समझ में आया, m मोल इलेक्ट्रोलाइट था कितने में, 1 लीटर में, 1 लीटर में कितना, 1000 सेंटीमीटर। m का मतलब हुआ नंबर ऑफ मोल, a b c d, कितना नंबर ऑफ मोल, 10, 20, 50, 100 जो भी कंसेंट्रेशन होगा मोल हो गया। तो 1 मोल के लिए कितना, nt क्या लिखा है, क्या चीज nt क्या लिखा है उसमें, इलेक्ट्रोलाइट r और इनके बीच में क्या लिखा है, ये प्लस एनटी नहीं, आर इन होगा, आर इन, एनटी नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। 1 लीटर में कितना हुआ, 1000 बाई m, तो 1 मॉलिक्यूल कितना होगा, 1 मोल के लिए कितना होगा, 1000 बाई m हो जाएगा। तो इसी को अगर हम देखिए, m का मतलब यहाँ पे याद रखिएगा, दैट इज कॉल्ड मोलारिटी है ये। मोलारिटी का मतलब 1 मोल 2 मोल 3 मोल सॉल्यूशन इन 1 लीटर, तो दैट इज कॉल्ड, तो नया फॉर्मूला बना लैम्डा m इज इक्वल टू कप्पा अपॉन 1000। m जो यहाँ पे बता दूं, इसको सही तरीका रिप्रेजेंट करने का ये है कि आप इसको यहाँ C लगाते हैं, C का मतलब गिवन कंसंट्रेशन, लैम्डा एम सी, लैम्डा इसको कहते हैं, उल्टा M लिखते हैं ऐसे, लैम्डा एम सी, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन। तो कप्पा इसको 1000 अपॉन m। अब जरा यूनिट की बात करते हैं, कप्पा का यूनिट देख रहा है आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब लिया तो सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। मोलारिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल को आपने मोल लिख दिया यहाँ पे, वॉल्यूम को आपने सेंटीमीटर में क्यूब में कर दिया, तो यूनिट क्या बन गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स सेंटीमीटर क्यूब, 3 से 2 गया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट आपको दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। अगर आपके पास यूनिट सेंटीमीटर में दिया होगा तो आप लैम्डा एम इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 बाई m करेंगे हमेशा। अगर कभी कभी क्या होता है, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में दिया होगा कप्पा की वैल्यू, कप्पा की वैल्यू अगर आपके पास ओम इनवर्स कप्पा की यूनिट दिया, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, तो कोई दिक्कत नहीं, आपका ये फॉर्मूला सही है, आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। m क्या है, मोलारिटी कंसंट्रेशन, m इसको लिख लीजिए मोलारिटी, कप्पा के बारे में जानते हैं, लैम्डा के बारे में। अगर यही चीज आपके पास मान लीजिए सेंटीमीटर के बजाय मीटर में गिवन हो तो क्या करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला ऐसा लिखिए, लैम्डा m c इज इक्वल टू कप्पा अपॉन m इंटू 10 to the power आपको -3 करना पड़ेगा, यहां पे यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल, जो यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, -6 को 3 से किया, -3 हो गया। तो ये दोनों फॉर्मूला बदलता है अगर कप्पा का यूनिट चेंज, अगर हम कप्पा के अंदर वॉल्यूम को सेंटीमीटर में लेंगे तो ये वाला फॉर्मूला बिल्कुल फिट है, अगर मीटर में लेंगे तो हमारा ये वाला फॉर्मूला। ये रहा देखिए सवाल, पहली बात 3.8 में कंसेंट्रेशन दिया हुआ है, कंडक्टिविटी का मतलब क्या, कप्पा आप जानते हैं, तो लैम्डा एम का फॉर्मूला यहाँ पुट करेंगे, कप्पा अपॉन एम इन टू 1000, कप्पा दिया हुआ आपका 0.0248 इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन 0.020 ले लीजिए, 0 को तो वैल्यू ही नहीं है इसका कुछ। अब देखिए डेसिमल हटाएंगे 10 to the power 4, डेसिमल हटाएंगे 10 to the power 2, 2 से गया 4, 10 to the power 2, 2 से गया 20, तो आपका 248 बचेगा, ये क्या हुआ जी, 10 to the power 2 नीचे बचेगा ना, ये 10 बचेगा खाली नीचे, हाँ 124 अपॉन 2 बच जाएगा, 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। थोड़ा समझिए इसको, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, व्हाट इज सेल कांस्टेंट, पहला सवाल है एल अपॉन ए इक्वल टू व्हाट, ये पूछा गया है, एम इक्वल टू लिख लीजिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.001 m दिया हुआ है, आर इक्वल टू कितना दिया हुआ भाई लिख दीजिए, 1500 ओम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन वही है, कंडक्टिविटी का मतलब कप्पा भी गिवन है, 0.146 into 10 to the power -3 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स,
निकालना क्या है, सिल कॉन्स्टेंट, तो कपा इज इक्वल टू यहाँ पे होगा 1/r इंटू एल बाई ए, एल बाई ए इक्वल टू क्या होगा कपा इंटू आर, बस यही निकालना है। ये 3.9 है, ये 3.8 हो गया। यस सर। कितना है इसका एल बाई ए? 0.219 सेंटीमीटर इनवर्स। हाँ।